हेलो फ्रेंड्स, निशा डिजाइनर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। निशा डिजाइनर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, जिसमें मैं आज आपको डिज़ाइन के कपड़े से रिबन बना करके और रिबन से गले पर डिज़ाइन बताऊंगी, जिसके लिए मैं ये गला ले रही हूँ। गले की लंबाई होगी मेरी 8 इंची, 8 इंची गले की लंबाई होगी और इसकी ब्रॉड में तो रखनी है 2.5 इंची। ब्रॉड 2.5 इंची है इसकी और यहाँ से भी मैं 2.5 ही लूँगी। और इन दोनों को मैं मिला दूँगी। यहाँ से ऐसे 2.5 लेकर और यहाँ से भी, और इसकी गले की ब्रॉड होगी मेरी 2.5 इंची और ये लंबाई 8 इंची है पूरी। और इनको लाइनों को मिला दूंगी ऐसे। फिर इसी तरह इसी साइड भी लूँगी मैं 2.5 इंची यहाँ से और इसकी लंबाई लूँगी 8 इंची और यहाँ से भी 2.5 इंची लूँगी और इन दोनों लाइनों को मिला दूंगी और इनको इसको खोल करके जो है इसमें मैं एक साइड में मैं ऐसे थोड़ा सा, ये देखिए ये जो हमारा, ये तो बीच का हमारा सेंटर हो गया और इस बीच से थोड़ा सा यहाँ टेप लूंगी। ये वाला और ये एकदम सीधा रहेगा मेरा और ये गोलाई रहेगी और इसका एक और बैक उसका जो तुरपाई का कट कर लेते हैं। इसके बीच का सेंटर बना के इसको साइड में रखेंगे। इसके ऊपर जो रिबन लगाएंगे उसके डिजाइन के लिए हमने कपड़ा काटा हुआ है। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। रिबन बनाना है हमें चौड़ा और इसकी चौड़ाई में बता दे रही हूँ। अगर हमने ये गला, ये देखिए 4.5 इंची है और इस ये गला हमारा 7 इंची रखना, हमने 8 काटा था तो हम इस पर थोड़ा सा और निकालेंगे। ये हमारा आ रहा है गला, ठीक है हमारा। और इसके बाद जो है इस पर पूरे ऐसे उस पर लगाने के लिए यहाँ पे जो डिज़ाइन करूँगी मैं एक कपड़ा कटिंग की हुई हूँ, बता दूंगी बाद में पूरा लगा कर।
तरीके से ये रिबन बना लिया हमने। अब इसको डिज़ाइन करने के लिए ये देखिए यहाँ पे वन एक इंची छोड़ के ऐसे और यहाँ पे ऐसे पहले इसको ले लेते हैं ये दोनों को। देखिए ये दो इंची लेके और इस दोनों को ऐसे मोड़ करके और यहाँ पे एक टांका लगाएंगे। उसके बाद इसको अंदर से सुई लेके यहाँ निकालेंगे चोंच पे ये। उसके बाद जो इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे ही ऐसे लेके यहाँ से आए और बीचों बीच में और फिर जो इसका जो गेप है एक इंची होना चाहिए यहाँ से ऐसे देखिए यहाँ से होना चाहिए। और फिर उसके बाद इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको लॉक करेंगे। अच्छे से लॉक कर लेंगे इसको। उसके बाद फिर से इसको हाथ से धागे को अंदर ले जाते हुए ऐसे चोंच पे निकाल लेंगे ये। और फिर से यहाँ से इसको पूरा ना उठाए यहाँ पे रहने दें और फिर से ऐसे रखेंगे और फिर यहाँ से इसकी दूरी एक इंची होनी चाहिए ऐसे डबल में। और फिर उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे लेके और यहाँ से फिर से इसको मोड़ लें। पीछे से कुछ इस तरीके से दिखेगा, आगे से ऐसे मैंने ऐसे पहले डिज़ाइन बना रखा है एक साइड के लिए। इस साइड के लिए जो है हम ऐसे ये त्रिशूल वाला हिस्सा ऊपर रखते हुए ऐसे इस पे लगाएंगे यहाँ पे ऐसे। और एक जो वन साइड का ऐसे ही इधर से लेते हुए इसको भी ऐसे लेंगे। तो मैं इस साइड का जो है बना रही हूँ और ये ऐसे आएगा हमें साइड का बना के तब इस पर लगाएंगे डिज़ाइन। फ्रेंड्स ये जो है एक साइड का ये राउंड बनाने में मेरे को 1.5 मीटर कपड़ा लगा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 4.5 इंची ली है, उसको फोल्ड किया है। और ये जो इस साइड में लगाने के लिए मेरे 1 मीटर लगा है। तो चलिए आप शुरू कर देते हैं हम इसको बनाना। और ये मेरा सूट है और सूट के ऊपर लगाना है मेरे को। बीच का हिस्सा लिया है और इसका भी बीच का हिस्सा लूंगी दोनों का और दोनों का मिलाते हुए इस साइड से और ऐसे और इस अब जो है अपना डिज़ाइन लेंगे। पहले ये राउंड वाली साइड लगाएंगे और जो इसकी ये चीज़ है ये नीचे साइड में रखेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ऐसे।
तो अभी आपने देखा किस तरीके से मैंने ये पट्टियाँ बनाई है। रिबन आपके पास रिबन है तो आप रिबन और मैचिंग का कपड़ा है सलवार का मैंने ये लिया है, असल मेरा सलवार है पजामा है। तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं इतने बेहतरीन। अगर मुझे मेरी ये डिज़ाइन पसंद आए तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम अब अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।